और दूसरा हमारे पास एनिमेशन हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं टेबल। टेबल भी हमारे पास काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, वर्ड में भी किया है हमने, एक्सेल में भी किया है और पावर पॉइंट में भी किया है हमने। तो टेबल ऐसी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को एक अरेंज, एक टेबुलर फॉर्म में रखना चाहते हैं, वहाँ पे हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो। तो इसी तरह HTML के अंदर जो पेजेस बना रहे हैं वेबसाइट, तो वहाँ पे जैसे मिसाल की बात है, आप किसी उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो किसी ग्रोशरी वाले के लिए, तो उसमें क्या होगा जी, वो ग्रोशरी को अगर वो कहता है मेरे आइटम्स को एक अलग अलग आइटम्स होंगे, उनकी अलग अलग आपको रखना पड़ेगा, भी सब्जियाँ हैं तो सब्जियों के एक कॉलम में होंगे, फ्रूट्स एक कॉलम में होंगे, तो ग्रोशरी के लिए एक आपने पेज बनाया है या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, तो इस तरीके से वहाँ पे आपको टेबल की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ। टेबल आपने पढ़े होंगे वर्ड एक्सेल में, दोबारा रिपीट हो रहा है। टेबल इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट कंप्लीट विद रोज एंड कॉलम्स। तो कंप्लीट विद मतलब टेबल कब कंप्लीट होता है, जब उसमें आ जाओ कॉलम्स और रोज हो। रोज क्या होते हैं, जो हमारे यू ओरिजेंटल में जो खाने बने होते हैं, सेल होते हैं, सेल उसको बोलते हैं, बेसिक कंपोनेंट है टेबल का। सॉरी यहाँ चल रहा है, इसकी बात कर रहे थे। हाँ ये ऑन है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो टेबल कब कंप्लीट होता है, क्या होता है, दो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आपका एक रो जो ओरिजेंटल में होते हैं और कॉलम जो वर्टिकल में होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। इसी तरह बाकी जितने हम काम करते हैं, उनके हर किसी के इंडिविजुअल अपने एक अलग अलग टैग और टैग थे, जैसे हमने करके आ रहे हैं पीछे फॉर्मेटिंग में और बाकी चीज़ों में, इसी तरह टेबल बनाने के लिए इसका जो टैग है वो सिर्फ टेबल है, ठीक है। इसलिए रेड में इसको मैंने अलर्ट किया, लेकिन आगे चल के कुछ हाईलाइट नहीं भी होंगे। बहरहाल, द बेसिक यूनिट ऑफ अ टेबल इज अ सेल। सेल जो खाना है उसका, सेल वो होता है जो मतलब रो और कॉलम की कम्बिनेशन होती है, ठीक है। अब एक 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 खाना है, अब वो उसको रो भी कंसिडर कर सकते हो, कॉलम भी कंसिडर कर सकते हो, उसको आप सेल बोलोगे, ठीक है। तो क्या बेसिक यूनिट उसका क्या है, सेल है एंड इज डिफाइंड विथ TD। तो TD क्या है जी, टेबल डेटा के लिए यूज होता है, टेबल डेटा, ठीक है, उसको आप टेबल डेटा बोलोगे, जो सेल एक यूनिट जो बना हुआ है उसके अंदर जो होगा। अच्छा, इसी तरह अ टेबल रो इज डिफाइंड यूजिंग दी TR टैग, टेबल रो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल हमें यहाँ पे हमने दिया हुआ है एक टेबल बनाने के लिए, बिल्कुल सिंपल सादा एग्जाम्पल। हमने ओपन किया अपना टैग HTML का, उसमें हमने टेबल का टैग दे दिया और उसको एक बॉर्डर दे दिया, वन वन एक वन स्टार्टिंग मतलब साइज का। इसको जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, 2, 3, 4 करते जाएंगे हम, हमारे जो टेबल के जो बॉर्डर होंगे उतने थिक होते जाएंगे, मतलब और मोटे होते जाएंगे और बॉर्डर उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, टेबल रो हमने उसको दे दिया, भाई मुझे एक टेबल रो चाहिए। यहाँ हमने इसको कोडिंग टैग दे के HTML को क्या बोल रहे हैं जी, हमारा एक टेबल बनाओ जिसकी बॉर्डर की साइज़ वन हो, ठीक है, और वो एक पहला रो उसमें इंसर्ट करो। रो इंसर्ट करने के बाद क्या करो, उस रो का पहला जो डेटा हो, पहला जो सेल हो, पहला जो खाना हो, वो क्या हो उसमें उसका लिखा हुआ हो कंपनी, दूसरा जो खाना हो बराबर में वो आपका लिखा हो कॉन्टैक्ट। मैं सिर्फ दो कॉलम और दो रोज पे मुश्तमिल मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रो मैंने डाला, उस रो पहला रो यूं होता है, ठीक है, ओरिजोनटल, समझ में आ रही बात। रो मैंने डाला उसमें पहला, मैंने उसको क्या किया, पहला रो का जो टेबल डेटा है वो कंपनी हो, उस रो का उसी रो का दूसरा जो आपका टेबल डेटा है वो आपका कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। मतलब टेबल डेटा यहाँ पे हमने उसको एक कॉलम बना दिया एक तरह से, ये दोनों, एक कॉलम कंपनी का, एक कॉन्टैक्ट का, फिर एक और उसके नीचे रो दे दिया, ठीक है। उस रो डिफाइन करके हमने दे दिया, फिर इस रो के अंदर पहला कॉन्टैक्ट हमारा DGCMID हो गया और उसके कंपनी DGCMID आ गया, उसी के साथ फिर कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट के नीचे जो DGCMID का जो कॉन्टैक्ट है, जिस पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है उसका मैंने नाम अपना डाल दिया, खालिद हुसैन, ठीक है। तो ये दो रो और दो रो का, दो कॉलम का हमने सिंपल एक टेबल बना दिया HTML के अंदर। तो ये कोडिंग में जो नाम यूज़ किए वो बिल्कुल सादा है कि आपको समझ में आए टेबल डेटा क्या है। टेबल डेटा आप ये कंसीडर किया करें, वो आपका टेबल सेल के ला सकते हैं, उस सेल के लिए यूज़ होता है या उस कॉलम के लिए यूज़ होता है, और टेबल रो का तो उसके नाम के हिसाब से टेबल रो दिया हुआ, जो आप यूँ बनाओगे वहाँ पर आपको टेबल रो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह क्लोज करना लाजमी है आपको,
इसमें ऐसी चीज़ कोई समझ नहीं आओ। टेबल की डेफिनेशन वही है जैसे वर्ड हो रहा, उसमें आप टेबल पढ़ रहे तो सर ने बताया होगा टेबल क्या होता है। तो यहाँ पर भी सिंपली एक लाइन में मैंने उसको डिफाइन किया है। ये या बता रहे हो ना, एक रो बनाया हमने, एक रो में दो कॉलम दे दिए, ये दो कॉलम कंसीडर, आप इसको समझो टेबल डेटा है, ये दोनों कॉलम है, एक कॉलम कंपनी का हो गया, कॉन्टैक्ट का हो गया, ठीक है। फिर एक और रो बना दिया, ऊपर कंपनी और कॉन्टैक्ट आ गया, दूसरे रो में नीचे में फिर कंपनी के नीचे खालिद हुसैन आ गया, वो सामने उसके बाद रो में कॉन्टैक्ट के साथ फिर नीचे वो आ गया, नाम आ गया निजी सीमेंट के साथ। लिख दिया हम बताएंगे इसको, अगर टीआर नहीं लिखूंगा ना तो ये और आगे चला जाएगा, ये रो में ही चलता रहेगा, मतलब यहाँ कंपनी आ गया, यहाँ कॉन्टैक्ट आ गया, उसके साथ डीजी सीमेंट आ जाएगा, उसके साथ आगे खालिद हुसैन आ जाएगा, ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपने उसको बताया यहाँ कंपनी यहाँ कॉन्टैक्ट है ना, तो उसके नीचे ही कंपनी के नाम आते रहे, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम उसके नीचे आता रहा, इसीलिए हमने एक नेक्स्ट रो डिफाइन कर दिया, उसमें जो डेटा डाला वो उस कॉलम का हिस्सा आ गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल, इसीलिए सिंपल बनाया था कि मतलब ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डाली मैंने, ताकि आपको क्लियर हो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? चलें आगे। अच्छा जी, ये अभी टेबल में मैं थोड़ा सा और टेबल में कुछ और डेटा डाला है, इसको समझने की कोशिश करें। टेबल हमने बना दिया, पहले सुने इसको समझे, लिखना तो मसला नहीं है, भेज देंगे आपको, इजी हो जाएगा, कोई एक चीज़ स्किप होगी फिर मसला होगा आपको। अच्छा, टेबल बनाने का तरीका मैंने बता दिया, आप उसी तरह आप जितने टेबल रोज़ इंसर्ट करोगे, टेबल डेटा जितने डालोगे उतना बड़ा आपका टेबल होता जाएगा। समझ में आ रही बात? टेबल रोज़ जितने लिखते जाओगे उतना आपको पढ़ता जाएगा, फिर आप उनके नाम देते जाओ, अब आप सेपरेटली करोगे इंशाल्लाह और क्लियर होगा। आप फिलहाल इतना तक समझ लोगे, आपके लिए समझो काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, टेबल बनाना हमने सीख लिया, अब टेबल के अंदर कुछ काम हम क्या करते हैं जी, हम अपने टेबल के जो रोज़ कॉलम्स को हम मर्ज करते हैं, उसको स्पिन करते हैं, ठीक है, और रोज़ और कॉलम्स को इधर, सॉरी मिस हो गया, स्पिनिंग कॉलम्स, कॉलम है ये, ठीक है, मर्ज सेल्स, स्पिनिंग कॉलम्स और रोज़। रोज़ को स्पिन करने के लिए क्या है जी, इसको मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, ज़रा सुने डेफिनेशन क्या कहता है। वी कैन क्रिएट अ कॉलम टू स्पिन मोर देन वन रो, ठीक है, और क्रिएट अ रो टू स्पेन मोर देन वन कॉलम। अच्छा, कैसे जी, आ कॉलम स्पेन एंड रो स्पेन, इसको नाम दे दिया यहाँ पे जी, अलग से मैं इंग्लिश वर्ड में बता दिया, यहाँ पे उसका टैग यूज़ कर दिया कि कॉलम का जो स्पेन है और रो स्पेन एट्रीब्यूट आर यूज टू क्रिएट अ सेल दैट स्पोर देन देन वन कॉलम और रो रिस्पेक्टिवली, दी कॉलम पेन एट्रीब्यूट इज यूज विद टेबल हेडिंग वाइल दी रो स्पेन एट्रीब्यूट इज यूज विद टेबल डेटा। अब ये डेफिनेशन आपको इस एग्जांपल में समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अब इसमें देखो क्या हुआ, मैंने एक टेबल बनाया जिसका बॉर्डर मैंने थोड़ा थिक कर दिया, दो बॉर्डर दे दिया और एक कलर उसको बैकग्राउंड का, पूरे टेबल का कलर मैंने येलो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल हेडिंग दे दी जी, एक हेडिंग दे दी ग्रुप ए की, मतलब ये हमारा एक पहला कॉलम हो गया एक ग्रुप ए का, और दूसरा कॉलम हो गया टेबल हेडिंग, मतलब वो हो गया किसका, ग्रुप बी का, ठीक है। अब इसको मैंने अलाइन, मतलब इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दी, सेंटर में रखा उसको, और कॉलम स्पेन जो अब हम यहाँ बात कर रहे थे, वो कॉलम स्पेन इसका मैंने तीन कर दिया। तीन का, तीन को कैसे आप समझोगे, दो कॉलम हमारे पास बन गए टेबल हेडिंग के थ्रू, ठीक है, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी का, ठीक है। अब एक रो हमने बना दिया, इस रो में क्या किया हमने, इस रो में एक दो तीन चार पाँच छः नंबर मैंने छः डेटा एंटर कर दिए, टी डी वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे टेबल को कर दिया क्लोज। अब इसमें क्या होगा जी, ये तीन पे जो है ना, ये क्या करेगा, तीन कॉलम्स पे ये एक ग्रुप बना देगा, कैसे, तो समझ आ रही है कैसे, यहाँ इसने एक ग्रुप लिया, ये ए ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप हो गया बी, ठीक है। अब ए ग्रुप के अंदर क्या है, वन टू थ्री है, ये ऊपर हेडिंग इसका क्या बन गया, ग्रुप ए का, ग्रुप ए एक सेल में होगा, ग्रुप ए जो है ना वो एक सेल में एक खाने में होगा, उसके नीचे तीन खाने होंगे, उसके नीचे तीन खाने कौन से होंगे, वन टू थ्री, हाँ, और फोर फाइव फिर ग्रुप बी में होगा। ये कहलाता है आपका कॉलम को स्पेन करना, या उसको मतलब मर्ज कर देना। मर्ज मतलब क्या होगा, आपने ग्रुप
ये तीन कॉलम आप, तीन जो कॉलम्स बने हुए हैं टेबल डेटा 1 2 3 का, इनके हेडिंग आपने ग्रुप ए की डाली है, ठीक है, और उसको आपने मर्ज कर दिया है। मतलब ग्रुप ए के अंदर ये तीन डेटा पड़े हुए हैं, तीन रोज पड़े हुए हैं 1 2 3, और ग्रुप बी के अंदर फिर तीन पड़े हुए हैं 4 5 6। समझ आ रहा है कुछ? अभी यहाँ यहाँ मार्कर से बना के दिखाऊंगा। बिल्कुल सिंपल है। मतलब मैंने एक कॉलम लिया है ग्रुप ए का, एक कॉलम लिया है ग्रुप बी का, ठीक है, ए और बी दो कॉलम होंगे, और ग्रुप बी ए के कॉलम में नीचे तीन रो है 1 2 3, और इसी तरह बी के नीचे 4 5 6। अच्छा, ये 1 2 3 के ऊपर जो ग्रुप ए है ये पूरा एक खाना है, ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? कॉलम स्पैन। ये टैग क्या करता है? ये टैग आपके उसको मर्ज कर देता है। यहाँ हम इसको यही बता रहे हैं कि यहाँ टेबल हेडिंग जो पहला है ग्रुप ए का जो मैं बना रहा हूँ, उसको 3 रोज तक या 6 है ना हमारे, 3 रोज तक ग्रुप ए बनाओ, फिर 3 रोज का जो है ना वो ग्रुप बी बनाओ। या दो मैंने मतलब यहाँ कोलैप्स इसको किया हुआ है, इस पे अपने कॉलम को स्पैन किया हुआ, दोनों को मर्ज किया हुआ है। मर्जिंग की हेडिंग है ना, सेल को कैसे मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं, ये हो गया कॉलम को मतलब मर्ज करने का। इसी तरह रो को कैसे करेंगे? सेम टेबल मैंने लिया है, बॉर्डर वही दो उसका किया है, येलो में उसका कलर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने इसका एक तो वो इम्प्लीमेंटेशन रो ये है, उसके ऊपर हेडिंग आ जाएगा। जैसे हम टाइटल देते हैं तो टेबल में भी इस तरह ऊपर एक टाइटल देते हैं, जी इम्प्लीमेंटिंग रो स्पैन कैसे करते हैं। हमने वहाँ यहाँ पे क्या किया जी, दो कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ के इसके हेडिंग लिए, जो आपके कॉलम्स इसको कह लो टेबल हेडिंग्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गई है। शुरू के दो मैंने खाली छोड़ दिए, ठीक है, दूसरे में मैंने मतलब इसको स्पेयर पार्ट का मैंने एग्जांपल दिया है, नट्स बोल्टोस हमर्स। फिर मैंने इसको यहाँ पे ये तीनों पांचों मैंने वो कॉलम्स क्लोज कर दिए। इसके नीचे मैंने एक टेबल रो दे दिया, उस रो में मैंने तीन का जो है ना वो यहाँ पे भी तीन का मैंने इसको मर्ज कर दिया रोज को। रो यूं होता है, समझने की कोशिश करो, रो यूं होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कैसे बनेगा फिर? 1 2 3 4, चार डेटा जो ना जनवरी 2550, ये आगे चलता जा रहा है, मैं देखता हूँ इसको, एक मिनट। अच्छा, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये नेक्स्ट और आ गया, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। 4 रोज हो गए, मतलब पहले रो में 1 जनवरी जनवरी आ गया, फिर उसके नीचे आपका 2500, 100, 100, 1240, ये चार चीज़ें आ गई। फिर आपके पास दूसरा जो आ गया इसी तरह फरवरी का, इसी तरह आपका जनवरी फरवरी मार्च तक हो गया, ठीक है। अब टेबल कैसे बनेगा आपका?